मैंने सोचा कि क्यों ना भगवद गीता से ही आरंभ कर लिया जाए। अठारह अध्याय हैं श्रीमद् भगवद गीता में। भगवत अर्थात जो भगवान जैसा हो, गीता अर्थात जो भगवान का गीत है, कि भगवान ने कहा है कि ये जो जीवन है एक गीत की भांति है, इसको हम लय में गा सकते हैं या बेसुरा होकर गा सकते हैं। बेसुरा होकर गाएंगे, हो सकता है खुद सुखी रहें पर सुनने वाले को कोई सुख नहीं। लय में गाएंगे तो हम भी आनंद लेंगे और दूसरा भी। वो कंट्रोल ज्यादा रहता है यदि चीज को लय में किया जाए। और आत्म साक्षात्कार और सरल जीवन में बस इतना ही अंतर होता है, जिसको प्राप्ति होती है वो एक जीवन के लय को खोज लेता है। जिसने जीवन के लय को खोज लिया वो ईश्वर में विलय हो गया। तो भगवद गीता को उपनिषद बताया गया है। ये एक पुराण नहीं है, ये वेद नहीं है, ये अपने आप में कोई संहिता नहीं है। वेदों के चार मूल अंग होते हैं। सनातन धर्म में जो हमारे वेद हैं, हर वेद के चार अंग होते हैं। पहला होता है संहिता। संहिता में स्तुति होती है। वेदों में मान लीजिए ऋग्वेद की जो संहिता है, उसमें ऋग्वेद में जो स्तुतियां पाई जाती हैं वो उन संहिताओं में होंगी। अलग अलग ऋषियों ने उन संहिताओं का संकलन किया। और एक होता है ब्राह्मण, कौन सा कर्म कैसे करना चाहिए उस व्यक्ति को जो कि वेदों में विश्वास रखता है, उसको बताया गया है ब्राह्मण। और जो सनातन धर्म में मूल शास्त्र है जिसके आधार पर बहुत कर्मकांड किया जाता है, विवाह के समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, स्तंभ कहाँ पर रखना है, कलश कहाँ पर रखना है, अनुष्ठान कैसे करना है, उसको कर्मकांड जो बताया जाता है, उसमें एक मूल शास्त्र आता है जिसको कहा जाता है शतपथ ब्राह्मण। और एक है अरण्यक। अरण्य अर्थात जंगल। जो घोर जंगलों में बैठकर ऋषि मुनियों ने जिस बात का चिंतन किया और उन विचारों को जब एकत्रित करके उन्होंने आगे शिष्यों को दिया या पांडुलिपि पर वो लिखे गए, जब उसका आविष्कार हो गया पांडुलिपि का, तो अरण्यक बन गए। और चौथा है उपनिषद। उपनिषद सदा एक जो गुरु है उपनिषद में एक शिष्य को ज्ञान देता है। उपनिषद शब्द का अर्थ है निकट बैठ जाना, कि आप निकट बैठ गए हैं। उपाधि नहीं, समाधि नहीं, उपनिषद है। आप जो प्राप्ति है उसके बहुत निकट पहुंच गए हैं, सानिध्य में आ गए हैं। तो भगवद गीता को उपनिषद कह दिया गया। और इसमें कुल मिलाकर चार ही लोग हैं जिन्होंने बोला है जो श्रीमद् भगवद गीता है। कुछ लोग गीता बोल देते हैं, गीता गीता, तो अगर हम सिर्फ गीता कहते हैं तो उसमें थोड़ा एक अनादर झलकता है। अगर हम भगवद गीता कहते हैं तो उसमें एक आदर झलकता है। जैसे कि जो मान लीजिए इस्लाम को नहीं मानता वो कहेगा कुरान, पर जो मानता है वो उसकी कोशिश रहेगी मैं कुरान शरीफ ही बोलूं। जो बाइबल को नहीं मानता बोलेगा बाइबल, जो मानता है वो कहेगा द होली बाइबल, जिसके मन में रेफरेंस है, जिसके मन में भक्ति है। तो भगवान ने कहा है कि यदि उस व्यक्ति को ये ज्ञान मत देना जिसके मन में मेरे प्रति भक्ति ना हो। इदम तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन नाचा आशु श्रुष्वाच्यम नाचम अभिसूयति। जिसके हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है कौनताय, जिस व्यक्ति ने तप नहीं किया जीवन में, इदम तेना तपस्काय, जिसके मन में भक्ति नहीं है, जो श्रद्धा से सुन नहीं सकता, उसको मत देना, बाकी किसी को भी दे देना। तो जो व्यक्ति भगवद गीता को केवल अपने
मन से धारण करता है, अपने दिमाग से धारण करता है, उसको एक किताब पढ़ के समझने की कोशिश करता है, वो कभी भी उसको अंगीकार नहीं कर पाता। उसका वास्तविक मर्म जो है उसके हृदय में कभी उतर नहीं पाता। और जब तक वास्तविक मर्म नहीं उतरेगा तब तक ये एक सूखा ज्ञान मात्र रह जाएगा। जैसे कि ऐसे होता है कि निबंध है, कोई रस नहीं है उसमें, तब तक सिर्फ एक किताब और बड़ी, एक यही भाव रहेगा। फिर भगवत गीता जो है हो सकता है मनुष्य के लिए एक वो बन जाए, क्रच जिसको कहते हैं, जिसका सहारा लेकर मनुष्य चलता है, परंतु दिया नहीं बनेगा, प्रकाश नहीं बनेगा। जब किसी चीज को केवल यहां से समझा हो मनुष्य ने, बुद्धि से, और उसको भीतर ना धारण किया हो, तो वो मनुष्य उस पर निर्भर करना शुरू कर देता है। परंतु यदि हृदय में धारण कर लिया हो तो वही चीज मनुष्य के जीवन में प्रकाशमय कर देती है उसको। क्योंकि तेषामेव अनुकंपार्थम हम अज्ञानजम तमः नाशम्य आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वत। जिस पर मेरी विशेष कृपा होती है कौन्तेय, मैं उस व्यक्ति के हृदय में जाकर स्थित हो जाता हूं, और जिसके मैं हृदय में जाकर स्थित हो जाता हूं, वहां पर जाकर मैं प्रकाश मान एक सूर्य की भांति उसके प्रकाशमय चेतना से उसके तमस का, उसके अंधकार का, उसकी तमोगुण प्रवृत्ति का, उसकी वासनाओं का, उसके विकारों का, उसके कुविचारों का नाश कर देता हूं। क्योंकि जीवन में कोई भी कर्म होता है वो हमेशा एक विचार से ही शुरू होता है। कई बार जो अज्ञानी है या जो तमोगुण में स्थित है उसके विचार आने और कर्म करने में कोई अंतराल नहीं होता। वो विचार आया, क्रोध आया, कर दिया, बाद में बोलेगा सॉरी। ये तमोगुण का मूल है। तो भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य जिस पर मेरी अनुकंपा होती है, जिस पर मेरी कृपा होती है, उसके मैं हृदय में जाकर स्थित कर जाता हूं ताकि वो कुविचार ही ना आए, कुकर्म नहीं होगा, उसका दुष्परिणाम नहीं होगा। फिर पहला अध्याय जो है, चार लोगों ने, हम आप बता रहे थे आपको, भगवद गीता में चार ही लोगों ने बोला है। सबसे पहला धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र से भगवद गीता शुरू होती है, जिसका कि अर्थ है अंधकार से मनुष्य के जीवन का आरंभ हुआ। गर्भ में होता है, अंधकार है, गर्भ में है बच्चा, मां का बच्चे के साथ मोह है और संतान का मां के साथ मोह है। बाहर आता है, प्रकाश की ओर जाना शुरू करता है, तो स्वयं से, अपने सगे संबंधियों से, अपनी इच्छाओं से उसका मोह जो है उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद संजय आते हैं, जिनको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त है कि यदि मनुष्य के पास कोई गाइडिंग फोर्स हो तो वो दूर की देख सकता है। कोई ना कोई चाहिए होता है जीवन में जो आपको कह सके नहीं ये गलत है। किसी को खुश रखना है, सब कुछ ठीक बोलते रहो, अगला खुश है, प्रसन्न है। किसी को बोले ये गलत है तो अगला दुखी है। निंदक निय राखिए निर्मल करे सुहाए। पास में एक आधा व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपकी गलती को गलत बोल सके, जो आपकी गलती को गलत बता सके। तो भगवान ने कहा कि धृतराष्ट्र जो है उनसे शुरू होता है, फिर संजय बोलते हैं, फिर अर्जुन बोलते हैं, जो कि एकदम मूढ़ हैं। धृतराष्ट्र मोह में अंधे हैं, संजय जो है एक माध्यम है, दृष्टि गोचर है उनको, भूत भविष्यत वर्तमान दृष्टि गोचर है उनको, दूर का दर्शन, क्योंकि वेद व्यास की कृपा प्रसाद से, व्यासाद श्रुतवान व्यासाद कृपा प्रसाद, कि वेद व्यास की कृपा से ही ये संभव है। और उसके बाद जो है भगवान बोलना शुरू करते हैं। तो सत्व जो है तमस, रजस अर्जुन, सत्व संजय,
तमस धृतराष्ट्र, उसके ऊपर गुणातीत साक्षात श्री कृष्ण स्वयं है। और यही चार अवस्थाएं हैं आत्मा से परमात्मा बनने की, चौथी अवस्था गुणातीत। तो जहां जहां भी भगवद गीता में अर्जुन ने बोला है, धृतराष्ट्र ने बोला है, संजय ने बोला है, सब जगह लिखाया है धृतराष्ट्र वाच, संजय वाच, अर्जुन वाच, परंतु जहां जहां श्री कृष्ण ने बोला है वहां वहां लिखा है श्री भगवान वाच। वो भगवान जिनके साथ श्री जो है विराजमान है, वो भगवान जिनकी आराधना से मनुष्य को आश्रय देने की क्षमता मिलती है, श्री अर्थात आश्रय, श्री अर्थात संपत्ति, बल बुद्धि वीर्य तेज ऐश्वर्य शक्ति विज्ञान, ये षड जो हैं ईश्वर के गुण बताए गए हैं।